सो गाइस, सबसे पहले तुम्हें इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, तो नीचे देख सकते हो तुम प्रोफाइल का एक ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर देना। और ऊपर में तुम्हें एक साइनअप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ईमेल और पासवर्ड तुम्हें यहाँ पर डालना होगा, जो कि तुम फेक डाल सकते हो, जैसे कि तुम सेकंड हैंड और टेक्स्ट नाउ को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हो फेक पासवर्ड और ईमेल डाल करके, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर एक फेक पासवर्ड और ईमेल डालना है। अब तुम्हें यहाँ पर डालने के बाद एक काम करना है, जो साइनअप का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन है वेरीफाई हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो तो इसे तुम अपना जीमेल से और फेसबुक के जरिए लॉगिन हो सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम बेटर ये होगा कि फेक अकाउंट क्रिएट करो, यानी कि फेक ईमेल और पासवर्ड डाल करके। स्क्रॉल करके नीचे आना है तुम्हें। नीचे आने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो एक वर्चुअल फ़ोन का एक ऑप्शन बना हुआ है, तुम्हें सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन में तुम्हें एक नंबर दिखाई देगा, जैसे कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके आगे ठीक एक कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके इस नंबर को तुम कॉपी कर लेना। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वाइबर एप्लीकेशन को वेरीफाई कैसे करना है। एप्लीकेशन को ओपन करना वाइबर, उसके बाद स्टार्ट नाउ पर तुम्हें क्लिक करना है। यहाँ तुम देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट में इंडिया कंट्री यहाँ पर सेट है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें चेंज करना है, यूनाइटेड स्टेट रखना है, यानी कि USA। तो तुम यहाँ से सर्च कर सकते हो या फिर यहाँ पर फाइंड करके भी ला सकते हो। और उसके बाद तुम्हें नंबर पेस्ट कर देना है। नंबर पेस्ट करने के टाइम पर तुम्हें ख्याल रखना है कि यहाँ से एक लेटर छूट जाता है, जब तुम वहाँ से कॉपी करोगे तो वहाँ से ध्यान से केयरफुली नंबर को चेक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, या फिर से लिख लेना। और तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है। इसके ऊपर तुम फिर से क्लिक करोगे, परमिशन जो भी मांगा जा रहा है यहाँ पर तुम्हें अलाउ कर देना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। अब तुम्हारा जो ये एप्लीकेशन है, जो हम नंबर लिए थे जिस एप्लीकेशन में, वहाँ पर एक कॉल भेजेगा, जैसे कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन हम कॉल को यहाँ पर नहीं उठाएंगे, तुम्हें मैं दूसरा ट्रिक भी दिखा दूँ यहाँ पर कि तुम्हें कॉल रिसीव एक बार और भी कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ से मिस कर देते हो तो दोबारा कॉल कैसे तुम रिसीव करोगे, ये भी तुम ट्रिक देख लो। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कॉल जो हमारा आया हुआ था, मैंने उसको डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है। तुम्हें मैं बता देता हूँ कि कैसे इस एप्लीकेशन में फिर से तुम्हें कॉल को रिसीव करना है, और जो इस एप्लीकेशन में जो नंबर मिला है, कैसे तुम्हें इससे तुम OTP बाईपास कर सकते हो। थोड़ा यहाँ टाइमिंग चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 30 सेकेंड के आसपास ये टाइमिंग चलेगा, तो तुम्हें इतना देरी तक वेट कर लेना होगा। फिर से तुम्हारा ये जो एक्टिवेट वाया कॉल का जो ये ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा, जैसे कि तुम अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इनेबल होने ही वाला है। ऊपर जो ग्रीन सिग्नल चल रहा है, बस उसको वहाँ पर पूरा होने देना है, जो लाइन चल रहा है वहाँ पर ऑटोमेटिक पूरा होने के बाद ये जो एक्टिवेट वाया कॉल का जो ऑप्शन है इनेबल हो जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्लिक कर देना है एक्टिवेट वाया कॉल पर। क्लिक करने के बाद फिर से तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन गेट कॉल, वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तुरंत बाद जो तुम्हारा एप्लीकेशन है जहाँ से तुमने नंबर लिया था, वहाँ पर एक कॉल आ जाएगा, जैसे कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। तुम्हें एक्सेप्ट कर करके यहाँ से इस कॉल को रिसीव कर लेना है, और यहाँ पर तुम्हें अब OTP दिखाई देगा, ठीक है, OTP सुनाई देगा, सॉरी। अब तुम्हें यहाँ पर एरो का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर लेफ्ट साइड में, वहाँ पर दो बार क्लिक करके बैक आना है। बैक आने के बाद अब तुम्हारा यहाँ पर जो OTP डालने का जो जगह था दिखाई दे रहा है, अब तुम्हें यहाँ पर उस OTP को फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पर अपना जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या फिर जो ईमेल डालना चाहते हो, तुम आसानी से यहाँ फिलअप कर लो, ठीक है। फिलअप करने के बाद ये जो राइट साइड में तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये जो एरो का एक ऑप्शन जो टिक मार्क बना हुआ है, तुम्हें यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये जो तुम्हारा वाइबर एप्लीकेशन है वेरीफाई हो चुका है। अब तुम इस एप्लीकेशन को किसी भी रूप में यूज कर सकते हो, लाइक अगर ग्रुप कॉल या फिर ऑडियो कॉल, जो भी चीज़ अगर तुम यूज करना चाहते हो इस एप्लीकेशन के द्वारा, आसानी से किसी भी कहीं भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। परमिशन को अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन है 100% वर्किंग स्टार्ट कर देगा, और तुम इस एप्लीकेशन से दुनिया के किसी भी कंट्री में कॉल कर सकते हो। लाइक अगर बात किया जाए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत सारे कंट्री में फ्री में कॉल कर सकते हो। अगर वाइबर टू वाइबर कॉल करना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर वाइबर से किसी और नंबर पर कॉल करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर क्रेडिट को लेना होगा, खरीदना होगा, और आसानी से तुम यहाँ से कॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आएगी।